शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार जी, आपकी मंजिल यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तो मैं खुद कभी नहीं गई। चाचा 8 समोसे खा लिए, 6 गलत गाड़ियां पंचर कर दी। आपने इधर आना कि नहीं आना, नहीं तो पुलिस ने आ जाना यहाँ। जल्दी आओ। ओह माय गॉड, अभी मैं सोचता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम रुको। ओ नॉट हिम। आपको दिखाई गई जैक है तेरे पास। आपको थोड़ी सी शर्म भी आ रही होगी, एक इलीगल $10 घंटा कमाने वाले से चेक मांगा जा रहा है। ओ तू दफा हो जा, तेरे मुंह कौन लगना चाहता है। मैं क्या बोल रही थी। इलीगल्स भी इंसान ही होते हैं ना, उनके भी तो राइट्स होते हैं। चल इतना सा मसाला बहुत है बात का स्वाद बनाने के लिए, पर तुम्हें मैं फीकी फीकी से एक बात बताऊं। आई एम सो सॉरी, जैक मेरे पास भी है नहीं। तो ऐसा कर, मुझे विंजल तक लाए दे। ये क्या हो रहा है? चल गेट लॉस्ट। अरे नीचे उतरो। कैसे बंदर गया जैसे चढ़ गई ट्रक पे छलांग लगा के। 8 तुझे सुनाई दे रहा है। 6 5 4 दाया हाथ सिर पे रखकर खुजाओ, थोड़ा थोड़े दांत निकालो बाहर। अब खुजाओ तो। अब लग रही है पूरी बंदरिया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहने से अकल नहीं आती, ऐसे धक्के धुके खा के बंदरिया बनके फिर अकल आती है। मुझे एक शादी में जाना है, प्लीज मुझे जल्दी पहुंचा दो। अगर एक शादी पे जाकर चाट पापड़ी और मंचूरियन नहीं खाओगी तो पतली नहीं हो जाएगी। ओ अब क्या हो गया तुझे। वो लड़की बेचारी लिफ्ट मांग रही है ना। लिफ्ट ही है, दे देते। तू मुझे लेट करवा देगा। यार पीछे ही पड़ गई है तू मेरे। लिफ्ट देनी है, घर थोड़ी लेके जा रहा हूँ उसको। हाय सासिका, वैन जी कहाँ जाना है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, वैन से बाहर निकल। क्या कह रही है, बीच में बैठेगी। कह रही है चुप करके गाड़ी से उतर जाओ, नहीं तो वो गोली मार देगी हमें। जग्गी जी डॉलर कहाँ है मेरे। रिलैक्स। कौन से डॉलर यार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। डॉलर तो तुझे देने होंगे। मैं बोल रहा हूँ इसका दिमाग खराब हो गया यार। कौन से डॉलर यार तेरे। मर के देगा या जीते जी। मेरे ख्याल से जीते जी देगा तो फायदे में रहेगा। यहाँ तो बातें ही बड़ी होती हैं, फायदा तो कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। मेरा तो गाँव ठीक था। जाके $3,00,000 दे। तेजा के $3,00,000 कहाँ है बता। तेजा के $3,00,000 कहाँ है बता। भाई जी गुस्सा मत करो, नस चढ़ जाएगी। इसको क्या हो गया। कुल्फी वाला तो भरी बंदूक वालों को बकर की तरह दबाए बैठा है, हमारे पास तो फिर भी खाली है। वो पैसा तो हाथ की मैल है बाबू। चलो 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 जल्दी करो, पुलिस आ गई। चलो चलो जल्दी निकलो, पुलिस की गाड़ी आ गई। चलो 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 निकलो इधर। भाजी भाजी उठिए उठिए, भाजी भाजी आइए, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। क्या है ये, कैसे काम पकड़ के रखे हैं तूने। मैं तो तुझे बहुत शरीफ और मेहनती इंसान समझ रही थी। अगर सुनसान सड़क पर लड़की की मदद करना बदमाशी है तो यार हूँ मैं बदमाश।
ओ मैं उस लड़की की नहीं उन गुंडों के बारे में बात कर रही थी जो तुमसे डॉलर मांग रहे थे। यार मुझे क्या पता कौन से डॉलर की बात कर रहे थे वो। हाँ हाँ चोरी करके रातों रात अमीर बनना था ना ब्लडी क्रिमिनल। ओ हेलो चोरी के पैसों से अमीर बनने का मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा 5 एकड़ मेरे कुएं पे हैं और 2 एकड़ नहर पे, 3.5 लाख की बासमती यूरिया, 50,000 की सब्जियां, सालाना इनकम 4 लाख रुपया है। मेहनत से खेती करता हूँ, हक ही खाता हूँ, करती है बड़ी बड़ी बातें। पैसे से अमीर नहीं बनता आदमी, नियत से अमीर बनता है, नियत से। हाँ हाँ ये शोर कहीं और जाके मचाना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी ट्रक में बैठ के। अब शर्म भी आ रही है तुझे? वाह मुझे लगा सिर्फ जुड़ो कराटे आते हैं तुझे। तू ना मेरी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों लगूं तेरे मुंह? तुम्हारे मुंह लगने के लिए मुझे ट्रक की छत पे चढ़ना पड़ेगा। तीसरी मंजिल पे मुंह लगा है तुम्हारा, ऊपर से छोटा सा नाक रखा है उस पर। तुम्हें ज्यादा बोबो करने की जरूरत नहीं है, मुझे शादी में छोड़ दे, दफा हो। जैसे हाथ पैर चलते हैं ना तुम्हारे, वैसे थोड़ा दिमाग भी चला ले। जहाँ शादी पे रही है कपड़े ऐसे डाले हैं जैसे ट्रैक्टरों के वर्कशॉप पे मैकेनिक लगी होती है। यार फटी जींस पहनता है कोई? मैं शादी देखने नहीं तुड़वाने जा रही। हेलो अरे सुन सुन मेरी बात। ये शादी करवाने वाला तो बिचौला हुआ और तुड़वाने वाला कौन होगा? पैसा तो बहुत बनता होगा इस काम में, मान जा। तूने जितनी जबान चलाई है ना तुझे थैंक यू बोलना तो बनता ही नहीं है। पैसा चल, तो बनता है, मान जा। बेवकूफ। चल हमारे पास कौन सा कम है पैसा? ये टायर को क्या हो गया यार? अरे तू मुझे पूछेगा नहीं मैं शादी तुड़वाने क्यों जा रही हूँ? तुझे लगता है मेरे दिमाग में खीरा लगा है? मैं क्यों पूछूंगा तुझसे? अरे जा यार अपना काम कर जाके। राजवीर वही लड़का है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, पर मैंने शादी नहीं की उसे। फिर तो लड़का बच गया, अब तुम्हारा बदला लेना बनता है, जा तू ले ले। नहीं तू भी मेरे साथ आ सकता है। तू फसलों की वो बीमारी है जो दवाई डालने के बाद फिर से घूमकर वापस आ जाती है। अपना बिजनेस आप हैंडल करो। यू सक एट लाइफ हार्डकोर। अरे जा गेट लॉस्ट अदरवाइज आई पुट योर नोज इन द पाना एंड मेक द कुरकुरा। बढ़िया ही मुझे सुनाने वाली। थाली में खाया उसी में होल। मैंने लिफ्ट दी और मेरी ही चाबी चोरी। सत श्री अकाल। ऑस्ट्रेलिया में शादी टूटने लगी है, नजारा देखने का मजा आएगा कि नहीं? ठंडा ठंडा कोका कोला, गरम गरम टूटती हुई शादी, लंबा सफर है थोड़ा एंटरटेनमेंट ही सही। चलो अरे ये कोका कोला ठंडा लेके आओ भाई। हाँ जी हाँ जी मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू। क्या बात है बहुत घबराए हुए हो? एक लड़की बहुत जानी पहचानी लगती है। कौन सी लड़की जानी पहचानी लगती है? अरे आज तो तेरी अपनी शादी है, लोगों की लड़कियां देखना छोड़ दे। अरे भाभी है वो तेरी, अपनी भाभी के पीछे घूमना छोड़ दे। वो मेरी भाभी बैठी है, चल उसके पास। ठीक है भाई नमस्ते। अरे इधर किधर जा रहा है? भाभी तेरी वो बैठी है इस तरफ, अपनी शादी में ही भटकता फिर रहा है। बिल्ली के जैसे उसके पीछे जाना छोड़, तेरा प्लान बता क्या है? प्लान है नहीं तुम्हारे पास? अब ये भी मुझे सुनना पड़ेगा।
वो सुनो, कपड़े नहीं डाले? ये कुर्ता क्या पतंगों की दुकान से बनवाया है? पजामा भी ऊंचा है। नखरे मत कर, जाके लोगों का दिल बहला। और सुन, नाचना गाना आता है कि नहीं? सादियां पना तो से की उड़ना, बैगी दूर की तैयार। ओ हीरो, यहाँ शादी हो रही है, आग नहीं लगी है। ये ले, चल। बड़ा आया सरदूल सिकंदर। भाभी कहाँ गई? जाके ढूंढो। आ जाओ। Are you guys crazy? Is this a kidnapping? तेरा नाम क्या है? मैं जग्गी, इंडिया से। तो तूने मुझे शादी से उठा लिया? तू पागल है? हिला हुआ है? ये मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? मेरी बात, जिस लड़की से तू शादी करने जा रही थी ना, मुझसे पहले उसकी 2 बार शादियां हो चुकी हैं। मेरी बातों को झूठ मत समझना। मुझसे पहले राजवीर की 3 शादियां हो चुकी है। हाँ जी, चौथे नंबर के खिलाड़ी हो आपका तो कांस्य पदक भी बनता। चलो चलो चलो। नहीं, मेरी सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, पर जब मुझे राजवीर के बारे में सब कुछ पता चल गया, मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। उबर को, आपका तो कांस्य पदक बन गया। चलो बैठो ट्रक पे। मतलब राजवीर मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा था, मैंने सोचा ही नहीं था। अब बैठे ट्रक में। हमें कौन सी जल्दी पड़ी है ट्रक में बैठने की? कम इनसाइड। हाँ जी, हम अंदर जाके बात कर लेते हैं। हमें कौन सी जल्दी पड़ी है ट्रक में बैठने की? यार मेरे क्यों नहीं मार रहे हैं? 2 शादियां मैंने करवाई हैं। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मेरी 2 शादियां हो चुकी है? भाई इसको लगता है जी, मैं तो लश्कारा प्रोग्राम के चक्कर में फंस गया जी। वहीं रहो। मेरी बात सुनो, ये देख मेरी एंगेजमेंट की फोटो। झूठ बोल रही है, मेरी 2 नहीं 3 शादियां हो चुकी है। तेरी किस्मत अच्छी थी जो फट गई। और एनीवेज, तुम सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी शादियां क्यों करता हूं। मेरे मन से आवाज आई थी, लश्कारा प्रोग्राम लंबा चलेगा। कुत्ते की तरह काम करते हो और बाद में मिलते हैं डॉलर 100 या 200। आसान तरीका है 30 या 40 लाख शगुन के तौर पर लो और पंजाब की लड़की से शादी कर लो, और उसके बाद फिर 2 साल, मेरे भाई 2 साल पूरे ऐश कर लो। असली नशा तब आता है, हाँ जी हाँ जी, जब कोई भोली भाली मासूम लड़की मिन्नतें करती है। राजवीर, कंधे थक गए भाजी, सीट नीचे रख लूं भाजी। बस वो नशा, उसका मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव इट स्वीट हार्ट। किल दिस इमोशनल फूल्स। ओके ओके ओके। भाभी उन लोगों के साथ भाग गई क्या? थैंक यू वाहेगुरु जी, थैंक यू सोनी, थैंक यू जग्गी जी, तुमने सच में बचा लिया आज मुझे। हो गया थैंक यू, चलो नीचे उतरो। हाँ? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरा थैंक यू हो जाना था? सारा गांव मेरी आस में बैठा, मैं यहाँ पे लोगों की शादी तोड़वा रहा हूँ, दुल्हन किडनैप कर रहा हूँ मैं। वाह, सफल किसान यहाँ गोलियों से बच रहा है। पर मैं अब कहाँ जाऊंगी जग्गी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई मुझे माफ करो, मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, मैंने कोई बुटीक का काम नहीं खोल रखा जो लड़कियों को ढूंढता फिरूं। ओ मैशी मोटर, चल नीचे उतर। अरे नहीं, तुझे सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, छोड़ नीचे नहीं उतर, नीचे नहीं उतर, जानती नहीं जग्गी को। मत छोड़ मेरे बैग, मेरे बैग को फेंक दिया। अरे मैं बोलता हूँ पीछे हट जा, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। ओ ये तेरा गांव नहीं है, सारी उम्र जेल में सड़ेगा। अरे जेल तो जट के नानी हाल होते हैं, डराना किसी और को। जब से ट्रक में बैठ गया तब से क्लेश पे क्लेश करे जा रही है, क्लेश पे क्लेश। मेरी मजबूरी थी तेरे ट्रक में बैठना, तो दूर तेरे जैसों की मुंह ना लगूं मैं। चक्कर में 8 घंटे लेट हो गया मैं, यही मनहूस कहीं की। अरे साइड पे हो जा, कहीं राजवीर वाला काम मैं ना कर दूं यहां पे। अच्छा तू मुझे मारेगा, देख मैं तेरी क्या हालत करती हूं। अरे तुम छोड़ो एक दूसरे को, साइड प्लीज। 1 सेकंड, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पक मेरी जी, 1 सेकंड अपना हाथ दो,
क्या हो गया तुझे? एक सेकंड अपना हाथ तो दो, एक बात करनी है। ओहो, आप बात ही नहीं सुनते। जग्गी जी, आपको इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब लंबा सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, और थोड़ा और थोड़ा सा और। इसे लंबा नहीं ले सकता मैं। अच्छा ठीक है, अब अपने आप को थोड़ा काम करो, इजी, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ, अब आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हाँ, अपनी आंखें खोलो। ताश का नाम शतकार है। तूने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे? पहले तो तुझे कभी ऐसे देखा नहीं। आपने पहले कभी याद नहीं किया जग्गी जी? अब क्या करने आया है? आपकी मदद करने आया हूं। हेलो, ये काम मेरा है। हम वैसे मदद नहीं करते। तुम कैसे मदद करते हो? भाई प्यार से, प्यार से, प्यार से। अब पकड़ लो भूत की टांगे। चलो चलो चलो, आराम से, आराम से चलो। हमारे यहाँ पैसे लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा पोस्टर लगा के भाई, बहुत बड़ा पोस्टर। जल्दी चलो, जल्दी चलो। हेलो, भेजती हूँ मम्मी, थोड़ा सा टाइम। जग्गी, इंडिया वाला। अभी भेजती हूँ। जैविक खेती में माहिर, जलंधर दूरदर्शन पर इंटरव्यू। दूध निकालने वाला किसान लोगों की औरतें निकालता फिर रहा है। पता लगा बिमला मैडम को, वो तो कहेंगे लड़का तो गया से। वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। मॉम का फोन? हाँ, फोटो मांग रही होंगी तेरी और अपनी जमाई की, भेज दे। अब शादी के बिना घर भी नहीं जा सकती। यही हाल मेरा है। वैसे भी मौसा मौसी ने मुझे जाने नहीं देना शादी करवाए बिना। वैसे एक बात कहूं, लड़का तो ये भी बुरा नहीं है। कौन ये? जग्गी, आर यू मैड? बुरा नहीं, बहुत बुरा है ये। अगर बुरा होता ना तो हम दोनों को छोड़कर कब का चला जाता। लो और कर लो बात। बहुत हो गई यार समस्या। पर तेरे दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? प्लीज, इसे शादी करने से पहले मैं कुछ खा के मर ना जाऊं। छी, ऐसे साफ दिल और सुंदर सरदार के लिए कुछ खाकर मरा जा सकता है। भाई मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, जिसको भूख लग गया वो आ जाओ। चल निकल। आप आराम से खाओ बैठ के, टैक्सी पकड़ के ध्यान से घर चले जाना, ठीक है? मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। चलो, ओके। बहुत अच्छा लगा मिलके। पर अरे, ठीक है फिर हम मंगवा लेते हैं टैक्सी, पर फायदा तो कुछ नहीं होगा। राजवीर फिर से हमें पकड़ ही लेगा, और वैसे भी मेरे पास कैश नहीं है। हैं? तुझे बोला था लड़की को शगन पड़ जाने दे, इतनी जल्दी पड़ी थी तेरे को शादी तोड़वाने की वहाँ पे। चलो आओ, छोड़ देता हूँ आगे तक। अच्छा जग्गी जी, सुनो सुनो, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ऐसे तो हम जल्दी पकड़े जाएंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 पांच कपड़ों से सफर निकल जाएगा? नहीं, एक हैंकी और दो नेल पॉलिश भी। मेरी तो मेहनत की कमाई ट्रक में पड़ी है भाई। वैसे तुम दोनों को एक बात रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि मैंने इसकी शादी तुड़वाई है पर गोद नहीं लिया। अच्छा तो मैं हैंकी और नेल पॉलिश रहने देती हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। दीदी ने पहले भी खाने का बिल दिया था। थैंक यू। जल्दी करना यार दिल। दिलजोत।
देखा है? अरे चल यार, मैं कहता हूँ दिमाग ही खराब है लड़कियों का। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहाँ रजामंद बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहाँ रजामंद बलिए। तू जट की पसंद डोली लेके जाऊंगा, ना बदलूंगा जिंदगी में रंग बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहाँ रजामंद बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहाँ रजामंद बलिए। सबकी हलुक ये मित्रों की लुक पे, तुम्हारा हर हक होगा मित्रों के सुख पे। दुनिया की परवाना तू कर बलिए, अपने बनाऊं तुझे हुक जाकर रुक पे। जब लूंगा फिर तेरे संग बलिए, होगा खुशी में बाजार सारा बंद बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहाँ रजामंद बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहाँ रजामंद बलिए। जमाने में मिसाल होता बेटा सरदार का। मान बापू का रहे जग कुछ भी कहे, मैं तो रखूंगा ख्याल सदा घर सत्कार का। परवान वही प्यार सदा चढ़े जग में, जहां प्यार की है भीनी सी सुगंध बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिए। जो बात मुझे ना पसंद बलिए, तू रहा कर वहां रजामंद बलिया। चढ़ के ट्रक बिच आई नी, ओ मैनू सुख नी जाप दी। स्टॉप 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 स्टॉप, तुमने देखा नहीं, लेडी बेचारी अकेली खड़ी है रोड पर, मुझे लगता है उसे हेल्प की जरूरत है। दिल जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके जज्बातों भरे दिल की, हम पहले भी इंसानियत के तौर पे गाड़ी रोक चुके हैं, समझी आप? हमने नहीं, तूने रोकी थी। देखो कैसे लिपटने को फिर रही है, ट्रांसफार्मर की नंगी तार जैसे। हाँ मैंने रोकी थी इंसानियत तौर पे गाड़ी, सामने से ऐसे गोलियां चली थी जैसे किसी शहर का पागल बच्चा काउंटर गेम खेल रहा हो। किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, प्लीज रोक दो एक बार प्लीज। तू रहने दे, पिछली बार भी उसने रोक दी थी और हम लोग फंस गए थे। बहन जी कहाँ जाना है आपको? नीचे उतरो। हमारे पेशावर में कहावत है कि अगर दस्त लगे हो तो नारे में दो दो गांठ नहीं लगाने चाहिए, और अगर पीछे बंदूक हो तो सुंदर लड़कियों को देखकर लार नहीं टपकानी चाहिए। कर ली हेल्प, अब हमारी हेल्प पता नहीं कौन करेगा। बाबा जी पांच मसिया के साथ प्रसाद भी चढ़ाऊंगा, प्लीज मुझे बचा लो, इनको डिशू डिशू कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हसीन मंजर, सुहाना सफर, लाखों डॉलर और साथ दो दो दिलकश हमनशी। अबे तुझे तो यहाँ नहीं सऊदी अरब में होना चाहिए था। सऊदी अरब में इतने डॉलर नहीं बनते। अरे जो वहाँ इतने डॉलर नहीं बनते, इसका मतलब ये नहीं कि तो सब रियाज खान के डॉलर्स पर कब्जा कर ले। अरे मैंने किसी के डॉलरों पे कब्जा नहीं किया यार। अरे बंदे आप तीन हो, नाम चार पाँच गिना रहे हो, कन्फ्यूज मत करो चाचा जी। असलम रियाज खान सत्तरनाजी मेरा अकेला का नाम है, और ये सब तो मेरे चमचा लोग है। सुरमे वाले भाई तेरे को कहीं देखा है मैंने? नहीं देखा है ना। चलो ये अफसर नियाज सत्तर अली खान। ओए असलम रियाज खान सत्तर खान, ओए तूने तो मुझे ही भुला दिया यार। ओए चल छोड़, तू पठान चाचा बोल और बात आगे बढ़ा। अब पठान चाचा मेरे पास लाखों डॉलर तो है नहीं, मेरे पास 135 डॉलर है, $5 मेरे पास छुट्टे पड़े हैं देखो। है जी, बाकी तुम्हारी वो दिलकश वाली बात ज्यादा समझ नहीं आई, पर मुझे इतना सा पता लगा कि आपको ये जेलस है कि मेरे साथ दो लड़के हैं, पर ये कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं है कि आप मुझे गोली मार दो। और तेरा जुर्म इतना छोटा नहीं है छोटे कि तुझे प्यार से छोड़ दिया जाए। ओए कोचे नहीं मानेगा इसका टांग में चाचा। नो चाचा, ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है, गोलियां हमारे पास नहीं है। ओए बकवास बंद कर, मैं अपना नाम का खो पैदा कर रहा हूँ। पठान चाचा मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो मुझे खुद किडनैप करके लेकर आया है, मैं तो पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं जाऊँ प्लीज? तुम दोनों जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।
ओए ग्रुंडी सुडी गोली चलेगी, अगर डॉलर नहीं मिली तो मैं 5 तक ही गिनूंगा, क्योंकि गिनती मुझे 5 तक ही आती है और बीच बीच में मैं भूल भी जाता हूँ। चाचा नौ, 1 से शुरू करो। मुझे उल्टी गिनती का शौक है। 4, 3, 2 जल्दी। ओए, ओए, ओए यार। चाचा मैं तेरे को बहुत जोर से बंदूक मारूंगा अगर तू पहले तू मेरे को बंदूक ही मार दे।